सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। रेवाड़ी के संगवाड़ी में जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है। कई गांव में लोगों की समस्याओं को यहां पर सीएम मनोहर लाल सुन रहे हैं। तो चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं जनसंवाद कार्यक्रम में। कुछ हम आपसे बात करेंगे, कुछ आप हमसे बात करेंगे, केवल बात ही नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को समझेंगे भी सही, और समझने के बाद एक दूसरे का हम लोग सहयोग भी करेंगे, करेंगे ना? अरे हाँ ना। आज मेरे साथ हमारे हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, अपने इस जिले से बावल से आप विधायक हैं, श्री अरविंद शर्मा जी, अरविंद यादव जी जो चेयरमैन हैं टूरिज्म, हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके कॉरपोरेशन के, हमारे यहाँ के गांव के सरपंच श्री राम सिंह जी, और हमारे जिले का प्रधान है प्रीतम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के और मंडल के प्रधान, क्या नाम, बाबूलाल जी झावड़ी मंडल के प्रधान हैं। सब लोग आपके सामने बैठे हैं, हमारे अधिकारी भी कुछ चंडीगढ़ से भी आए हुए हैं, कुछ यहाँ जिले के हैं, आपके लोकल इलाके के भी हैं। सबके साथ मिलकर हम जो बातचीत करेंगे उसको हमारे जो पत्रकार मीडिया बंधु छायाकार ये भी सब अपने उसमें कैद करेंगे। हमारी बातचीत खुले में चलती है, जिसको कहते हैं ना खुली किताब, ओपन चैप्टर। बहुत मीडिया वाले कभी कभी कहते हैं कि भी आप ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बात बता दो, हम कहते हैं हमारी ना कोई ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड, जो है सीधी सीधी है, जिसने सुननी है सुन लो, जिसने उस पर ध्यान करना कर लो, जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कर पाएंगे वो कभी कहते भी नहीं है, ना भी करनी हो तो साफ साफ करते हैं। ये बात आपको ठीक लगती है कि नहीं लगती है ना? नहीं तो बहुत ऐसे राजनीतिक आदमी आज से 10 साल पहले की जो सरकारें चाहे सेंटर की थी चाहे स्टेट की थी, गोली देके चले जाते थे ना, करो धरो कुछ नहीं, घोषणाएं करते चले जाओ। लेकिन हमने जो कहा सो किया, केंद्र में पिछले 8.5-9 साल से, बल्कि अब तो 9 से भी ज्यादा हो गए हैं, मई में 9 साल हो गए थे, 9.25 साल से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार चल रही है, और हरियाणा में भी लगभग 9 साल हो गए आपकी अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये चल रही है। तो हमने इन 9 सालों में जो विकास के काम हैं वो तो बहुत किए हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने नहीं किए होंगे, सरकार आती है कुछ ना हो तो करती है, लेकिन मैं तो उस मुकाबले को बता सकता हूं कि हमारे ये 8.5-9 साल और उनके 10 साल हमने डबल काम किए हैं मित्रों, डबल, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कें हो, हाईवे हो। अब आपके इस इलाके से ही चलो नेशनल हाईवे तो बहुत पुराना ही है, जयपुर का हाईवे चल ही रहा है, इसके अलावा दिल्ली मुंबई है, जो ये जो कॉरिडोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रेलवे लाइन का, ये अलग से है, किसी भी साइड में निकल जाओ नेशनल हाईवेज का जाल बिछा हुआ है, हर जिला दूसरे जिले के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गया, उद्योग है भरपूर मात्रा में, उससे पहले तो उद्योग या तो फरीदाबाद या गुड़गांव, अब उसके बाद इन सालों में यहां से लेके बावल तक दारूवाड़ा रेवाड़ी पूरा ये आपका झज्जर जिला रेवाड़ी जिला, और अब तो नांगल चौधरी तक उद्योग की लाइन लग गई। जितना उद्योग ज्यादा होगा उतना लोगों का रोजगार बढ़ेगा। ये विकास के काम चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे सड़कों का हो, नहरों का हो, पानी का हो, बल्कि पानी तो दक्षिण हरियाणा हमेशा पानी के लिए संघर्ष करता रहा, हमने पानी आखिरी ट्रेल तक पहुंचा दिया, और अब हमने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल राजस्थान का वो गांव किनारे का, यानी बॉर्डर के जो गांव है हरियाणा के, एक तो आज यही बता रहे थे आपके जड़थल,
और एक कल जिसमें गए थे खंडोड़ा, हमने वहां तक भी नहर का पानी भेजने के लिए व्यवस्था बना दी है। खंडोड़ा जो आज जो पानी जहां तक है उसके बाद 60 फुट ऊंचा पानी चढ़ेगा उसके ऊपर। ऐसे नांगल चौधरी में जो गांव है, कौन सा जो लास्ट गांव मूसनोता, मूसनोता एकदम ऊंचाई पर है, अभी उसके 100 फुट नीचे तक पानी पहुंचा, 100 फुट पानी और चढ़ाना पड़ेगा। उसमें भी 3 पड़ाव बना करके उस गांव तक पानी पहुंचाने का हमने वायदा कर दिया कि पानी जरूर पहुंचा देंगे वहां, नहर का पानी। पीने का पानी तो पहुंच गया वहां, लेकिन वहां खेती के लिए भी नहर का पानी पहुंचाया जाए ये पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। उसका सीधा लाभ दक्षिण हरियाणा को, साथ में भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, ये जो राजस्थान की बेल्ट है, पानी की कमी नहीं छोड़ेंगे। ये सारे काम दिखने वाले हैं। कुछ काम हमने ऐसे किए हैं जो हमने तो कर दिए, पिछली सरकारें सोच नहीं सकती थी कि ये भी हो सकते हैं। उसमें लोगों का रहन सहन, आम आदमी का रहन सहन जो है वो कैसे सुगम, सरल, आसान ये बनाया जाए, क्योंकि पहले देखते हैं एक घर के 5 मेंबर हैं, सब किसी ना किसी उहापोह में लगे हुए हैं। कोई तेल के चक्कर में पड़ा हुआ, कोई गैस के उसमें पड़ा हुआ, कोई खाद के चक्कर में पड़ा है, कोई बिजली की कनेक्शन के लिए पीछे पड़ा हुआ, कोई पानी का कनेक्शन लेने के लिए पड़ा हुआ, किसी के थाने के चक्कर, किसी के डीसी ऑफिस के चक्कर, किसी के कहीं, किसी के कहीं। घर में मेंबर कम थे और ये छोटे छोटे कामों की परेशानी ये ज्यादा थी। हमने अपना सिस्टम ऐसा खड़ा कर दिया कि इस सिस्टम में अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उसका काम होगा तो घर बैठे हो जाएगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहुत से काम शुरू कर दिए हैं, कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं, वो भी आगे हो जाएंगे। मास्टरों से पूछ के देखो, स्कूल के अध्यापक, आपके परिवार में से कोई अध्यापक होगा या यहाँ कोई आया हुआ हो, है कोई ऐसा कोई अध्यापक बैठा है यहाँ, या किसी का भाई हो, किसी के परिवार का कोई आदमी मास्टरों में है कोई? तो मास्टर मना करते हैं क्या, आप जाया मत जाया करो है? हाँ बताओ, ये बैठे खड़े हो जाओ जरा, बताओ कि पहले ट्रांसफर के मामले में मास्टरों को क्या करना पड़ता था और अब क्या करना पड़ता है? सरब सुख यादव, ऊपर दाल, RW सेक्टर 3 रेवाड़ी। सर पहले ट्रांसफर के संबंध में हमें चंडीगढ़ के चक्कर लगाने पड़ते थे, हमें पैसे भी हमने ट्रांसफर के लिए दिए हैं, और अब इस सरकार के अंदर मैं बड़े फख्र और गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी 2 पुत्र वधु हैं, दोनों लेक्चरार हैं, आज तक एक नया पैसा भी नहीं दिया, उनका रूटीन में ट्रांसफर हो रहा है। धन्यवाद सर। मास्टर जी उठते थे 10-15 साल पहले की बात बताता हूँ, ढूंढते थे कोई राजनीतिक आदमी का कोई जानकार मिल जाए, बुलाता था, भाई मेरा ट्रांसफर करा लिया, मैं रहने वाला तो बावल का हूँ, नौकरी करता हूँ मैं फतेहाबाद में, मेरी नौकरी यहाँ आ जाए। वो कहता है ठीक है, निकाल गाड़ी। कहता है मैं गरीब मास्टर, कहाँ से गाड़ी ले आऊँ? बोले टैक्सी कर ले। टैक्सी कर ली, फिर चलो चलते हैं। बोले तेल गलवा। तेल गलवा दिया, चलो चलते हैं। पहुँच गए चंडीगढ़, 3 दिन तक तो वहाँ उसका रहना, खाना पीना, खर्चा, खाना खाना नहीं पीना भी होता था, वो सारा खर्चा कराता था। फिर किसी से सेटिंग होती थी कि भाई इस मास्टर का ट्रांसफर करना, बोल तू कितने लेगा, मैं कितने लूंगा, बंटवारा होता था, ट्रांसफर भी मुश्किल से हो जाता था। जब ट्रांसफर होके वो कहता चल घर चलेंगे, कहता तू टैक्सी गाड़ी तो यहाँ छोड़ जा, मैं तो 3 दिन और आऊंगा, मेरे 2 ग्राहक और बैठे हैं, तू बस में चला जा। मास्टर जी को बस में भेज देता था, उसका टैक्सी का किराया चालू रहता था। मास्टर जी घर में फोन करते थे, भगवान शाम को मिठाई मंगा, मेरा ट्रांसफर हो गया, वो भी खुश। घर आता तो जो पत्नी जो है बजाय खुश होने के मुंह लटकाए बैठी है, अरे भगवान क्यों बैठी है तू, तुझे तो खुश होना चाहिए।
कि खुश काहे से हूँ, जो ट्रांसफर तू वहां से करा के चला था ना, तेरे पीछे पीछे फोन आ गया, वो ट्रांसफर तो कैंसिल हो गया। ये किससे हमारे सुने देखे हो रहे हैं, आपके भी देखे हो रहे होंगे, क्योंकि कई कई ग्राहक पाड़ करते थे। आज ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, उसको कह देते हैं भाई तुम सिक्योरिटी के हिसाब से, तुम्हारी सिक्योरिटी तुम्हारी उम्र के हिसाब से बढ़ेगी। बुजुर्ग होगा सबसे ज्यादा सिक्योरिटी, नौजवान होगा उसकी कम सिक्योरिटी, महिलाओं को अलग से नंबर मिलते हैं, या कोई घर में बीमार हो उसके भी अलग से नंबर मिल जाते हैं, इसको घर के नजदीक रहना जरूरी है। जो उसका पहला स्टेशन उसकी सीनियोरिटी के हिसाब से मिलता है उसको मिल जाता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सारी लिस्ट दिखती है। अगर तुम्हारी बात देखनी हो, तुम्हारे से ऊपर तुम्हारा सीनियर हो ही गया है, बाकी सारे जो हैं वो तुम्हारे से नीचे हैं, जूनियर नीचे सीनियर ऊपर, इस नाते से ट्रांसफर सब क्यों होते हैं। 93-94% अध्यापक ऐसे हैं कि जो हुआ जी बढ़िया हुआ, 5-7% ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी मन ने तो सिफारिश लगवाई थी मेरा भी, फिर भी मेरा नहीं हुआ। अब वो कोई सिफारिश बनवारी लाल जी के लिए आता था, कोई अरविंद यादव जी के लिए आता था, कोई आप में से किसी का ले आता था। हम इनको कह देते हैं भाई इन चीजों में जो न्याय है वो होने दो, और ये भी कहते हैं हाँ ठीक है। पहले पहले तो इन लोगों ने सब ने, मतलब ये नहीं, जो हमारे साथी थे वो सब कहते थे कि हमारे अपनों का क्या बनेगा। मैं कहता हूं भाई देखो हरियाणा 2,84,00,000 लोग, ये सारे अपने हैं, इसमें से कोई पराया नहीं है, ये हमारा परिवार है। तो ये सारे सिस्टम ऑनलाइन करके हमने ठीक किए हैं। ऐसे ही एक नया काम और हमने किया, वो है फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, कि हर आदमी का, हर परिवार का एक हिसाब किताब हमारे पास होना चाहिए कि उस परिवार में कितने सदस्य हैं, किस किस उम्र के हैं, क्या करते हैं, पढ़ने वाले कौन हैं, काम कौन करते हैं, बेरोजगार कौन है, बुजुर्ग कौन है, पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है, गरीब कौन है, उम्र आयु उनकी जो इनकम है वो कितनी है। क्योंकि सरकार योजनाएं बनाती है गरीब लोगों के लिए, सरकार के पैसे पर सबसे पहला अधिकार गरीब का कि अमीर का, बोलाओ, गरीब का। जो सब आप कह रहे हैं वही हम मानते हैं, लेकिन अगर पता ही नहीं हो कौन अमीर है कौन गरीब है कौन बीच का है, और स्कीम आ गई छप गई तो लाइन में सबसे पहले कौन लगता है पता, जिसको नहीं चाहिए वो लगता है कि सरकार की स्कीम आ गई रगड़ो। हम कहते हैं भाई जो उसका पात्र है, जो उसका डिजर्व करता है जो आदमी, उसको देंगे, जो डिजर्व नहीं करता उसको समझाएंगे कि भाई ये गरीब आदमी रह जाएगा तुम अगर ले जाओगे तो, मिलनी तो एक को ही है, गरीब को मिलेगी अमीर को मिलेगी, अमीर ले जाएगा या बीच के आदमी का भी ले जाएगा तो गरीब रह जाएगा। हमारा जिम्मेवारी सबकी है गरीब को ऊपर उठाओ। अभी हमने यानी संभव किया फैमिली आईडी से, और एक फैमिली आईडी का उपयोग वो मैं बताता हूं दूसरे तरीके से। अपना जो गांव है संगवाड़ी, इसकी आबादी कितनी है बताइए, सरपंच साहब बताएंगे पहले, सरपंच कहां है, हाँ बोल तो ऐसे ही बोल दो।